श्रद्धा एक घरेलू लड़की थी, लेकिन पति की नौकरी बड़े शहर में होने के चलते वो दोनों परिवार से दूर रहते थे। शुरुआत में खुद को परिवार से दूर आजाद पाकर श्रद्धा बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे दिन भर का अकेलापन उसे कहीं ना कहीं खटकने लगा था। तुम्हें कैसे पता कि मैं ये ड्रेस कई दिनों से देख रही थी? वाओ, लव यू लव यू लव यू। अरे जब हम लास्ट संडे मार्केट गए थे ना, और तुमने जिस तरह से इसे देखा था, मैं तो तभी समझ गया था। ओह, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितना अच्छा लगता है जब मेरे बिना कहे तो मेरी ख्वाहिश के बारे में जान लेते हो। लेकिन तुम्हें बताना चाहिए, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, कम से कम बता दोगी तो। अच्छा अच्छा, चुप रहो, ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए अब मुझे। शादी को 2 साल हो चुके थे, सैनी की भी प्रमोशन हो चुके थे। ऐसे में ऑफिस में काम का प्रेशर और घर में भी एक्स्ट्रा काम का लोड, सैनी के लिए श्रद्धा को पहले जैसा टाइम देना पॉसिबल नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। ये रिंग तुमने ऑर्डर की है? हाँ, मैंने देखा था तुमने अमेज़न पर ऐड टू कार्ट कर रखा था, तो मैंने कर दिया। पिछले महीने की थी, फंक्शन में पहनने के लिए, अब क्या करूँगी इसका? तो कर लेनी थी ना, मैं कौन सा मना करता, या बता देती मुझे। ये देखो, 4 बच्चे हैं इनके, शादी के इतने साल बाद भी आज भी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते हैं, और तुम हो के 2 साल में ही तुम्हारा मुझसे मन भर गया, पता नहीं अगले 40-50 साल कैसे बीतेंगे। तुम ये क्या कह रही हो, मैंने कभी डांटा तुम्हें या किसी चीज के लिए मना किया हो, या अपना फोन तुमसे छुपाया हो? तुम ये ऑनलाइन कपल्स के चक्करों में मत पड़ो, उनका तो यही काम है वीडियो बनाना, असल जिंदगी बहुत अलग होती है। इतनी भी अलग नहीं होती, मैं सोने जा रही हूँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना। तो खाना ना बनाने के चक्कर में इतने ताने, अरे सीधा सीधा बोल देती। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, श्रद्धा जितना वक्त ऑनलाइन रील्स देखने में बिता रही थी, उसकी सैनी से उतनी ही दूरी भी बनती जा रही थी। धीरे धीरे सैनी भी खुद को काम में और ज्यादा बिजी रखने लगता है, जिस वजह से दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय भी कम हो रहा था। ऐसे में एक दिन, तो हो गई शादी, क्या कहती थी, तुमसे ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। जिंदगी बर्बाद हो गई है, बस शादी के बाद कुछ महीनों की ही खुशियाँ थी, और अब तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तो तुम्हें ही चाहिए था ना MNC वाला। कम से कम ताने तो मत दो, तुम कहाँ हो और शादी हो गई क्या तुम्हारी? नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से रील्स की काल्पनिक दुनिया ने श्रद्धा और सैनी की असल दुनिया में जो खाई खोदी थी, श्रद्धा उसे अपने एक्स के साथ पूरा करने का ख्वाब देखने लगती है। दोनों के बीच बातें इतनी बढ़ने लगी कि एक दिन, मुझे डाइवोर्स चाहिए। क्या, मजाक मत करो, काम करने दो मुझे। बस इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए, जब देखो काम काम काम, बीवी ना हो गई कोई कुत्ता हो गया जो लाकर घर के कोने में बांध रखा है, जब दिल आए रस्सी डालकर बाहर घुमाने ले गए, और जब दिल करे बिस्कुट डाल दिया। ये तुम क्या कह रही हो, मैंने कितनी बार कहा है कि अगर कुछ चाहिए या कहीं जाना है तो बोल दिया करो। अरे मैं कौन सा मना करता हूँ। हाँ तो हर बात बोलकर नहीं बताई जाती, लेकिन अब बोलकर बता रही हूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए बस। और इस तरह से ऑनलाइन रील्स देख देख के श्रद्धा ने अपनी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद कर लिया, और अपने एक्स के साथ जाकर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। शुरुआत में उसे वही जिंदगी मिली जो शादी के शुरुआती हफ्तों में उसे सैनी से मिली थी, लेकिन समय का चक्कर एक बार फिर से घूमा, और कुछ साल बाद श्रद्धा को एहसास हुआ कि वो फिर से उसी जगह खड़ी हुई है, लेकिन अब वापस जाने का रास्ता नहीं था। तो एक दिन, हम कब तक ऐसे रहेंगे, क्यों ना अब शादी कर लें और फिर बेबी की प्लानिंग करें। शादी, पागल हो गया, अरे मेरे घर वाले कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने एक डिवोर्सी से शादी की है। अब घर वाले कहाँ से आ गए? यही सवाल मैंने भी पूछा था जब MNC वाले लड़के के बारे में तुम मुझे बताने आई थी, अरे याद है या नहीं याद है? हाँ, तो तब मेरे घर वालों का भी प्रेशर था मुझ पर। तो जाओ फिर उन्हीं घर वालों के पास, मुझसे क्या कह रही हो, बोलो उन्हें ढूंढे कोई तुम्हारे लिए नया MNC वाला लड़का। और इसी के साथ श्रद्धा की काल्पनिक प्यार भरी दुनिया का भी अंत हो गया। इंटरनेट पर जब हम रील्स को देखते हैं तो 100 अलग अलग लोगों के सबसे ज्यादा खुशी के पलों को एक साथ जोड़कर सोचते हैं कि ये तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, मेरा भी जीवन साथी ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो वीडियो 1 मिनट का आपने देखा है, वो उनकी 24 घंटों में से 1 मिनट का वो पल है जिसे वो आपको दिखाकर पैसा कमाना चाहते हैं, और बहुत हद तक तो वो पल भी महज एक्टिंग ही होती है। फिर भी हम अपने दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बनाकर जीने लगते हैं, और यहीं से हमारी असल खूबसूरत जिंदगी का भी पतन शुरू हो जाता है।